देखा मैडम जी, मैंने बोला था ना आपका डाइवोर्स यू करवा दूंगा, करवा दिया ना। और जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आपके पति से पैसे लेने का, वो मैं 2 दिन में सेटलमेंट करवा दूंगा जी। मैं चलता हूँ। घर नहीं गए तुम? तुम बस जा ही रहा था चाय पी, आओ बैठो ना। चाय पियो भी? नहीं नहीं, 5 साल से ट्राई कर रहे थे ना डाइवोर्स के लिए, आज फाइनली हो ही गया। वैसे तुम्हें एक बात बोलनी थी मुझे, वो जो कोर्ट ने बोला है ना तुम्हें 10 लाख रुपए देने देने, वे उतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर तुम जो मेरा मंगनी वाला फ्लैट है ना वो रख लेना, और मेरे पास कुछ सोने की चीज़ें हैं इसको भी तुम ले लेना, नोनी की शादी के काम आ जाएंगे। और जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर भी तुम रख लेना, और मेरी गाड़ी वो भी तुम ले लेना मेरे जिस काम की होगी। कोर्ट ने 10 लाख रुपए देने को बोला है, तुम सब कुछ क्यों दे रहे हो? हाँ अकेले ही तो हूँ मैं, मेरे जाने के बाद वो सब कौन संभालेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। जाने के बाद मतलब? नहीं नहीं ऐसा कुछ। क्या छुपा रहे हो मुझसे? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं तो मैं छुपा रहा हूँ। बताओ, सच जानना है मुझे, बोलोगी? कैंसर है मुझे। क्या? डॉक्टर ने बोला है कि कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन ये कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे को खुद 4 दिन पहले ही पता लगा, इसीलिए मैं तुमसे बोलना चाह रहा था कि जो भी मुझे सामान है ना वो तुम रख लो। मोनी को अच्छे से स्क्रीन में बताया था, बाकी जो भी रजिस्ट्री वगैरह का काम है घर तुम्हारे नाम करने के लिए वो मैं 5-6 दिन में पूरा कर लूंगा। मैं चलता हूँ, बाय। सुनो। हाँ? ठीक है कर दिया? नहीं चाहिए मुझे घर गाड़ी कुछ भी, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराएंगे और तुम 100% ठीक हो जाओगे। बात करनी मुझे मुश्किल, कभी ऐसी तो न थी, ठीक है। ले गया जी।